वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 8 फरवरी से 14 फरवरी 2021 के मोस्ट 48 करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा? तो अभी दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अभी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन माजुली में किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो अभी जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी ओडिशा ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के सोनीतपुर जिले में अशोक माला का शुभारंभ किया है? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनीतपुर जिले में अशोक माला का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये टेनिस खिलाड़ी थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका पूरा नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया? तो अभी ICC ने 3 वर्ष के लिए 22 जून को अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC कहाँ भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करेगा? तो अभी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC लद्दाख के पूगा गांव में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड घोषित किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड घोषित किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनरल KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार COVID-19 टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राजीव कपूर का निधन हुआ है, ये अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत और अफगानिस्तान ने सतूट बांध के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित होगा? तो अभी ओडिशा में भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गेंदबाज ने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए? तो अभी ईशांत शर्मा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी ओडिशा ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी एम हामिद अंसारी ने बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी है? तो न्यूजीलैंड ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को अपने देश में आने पर पाबंदी लगा दी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो अभी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो अभी दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया है? तो SBI ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान -7.4% का लगाया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का चौथा जिला बन गया है? तो विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो UAE का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी प्रदीप सरदाना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में किस फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? तो तमिल फिल्म कू जंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर अवार्ड जीता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ज्ञान मिशन शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एगॉन लाइफ के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अभी सतीश्वर बालकृष्णन एगॉन लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कोरोना एवं सिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए किस न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ब्रिटिश टेलीविजन न्यूज चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज पर चाइना ने कोरोना एवं सिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया।
इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट की मीटिंग में हीमा दास को पुलिस उपाधीक्षक बनाने का फैसला लिया है? तो अभी असम के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट की मीटिंग में हीमा दास को पुलिस उपाधीक्षक बनाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव और उनके साथी सीमा रानी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो अभी नेपाल ने पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव और उनके साथी सीमा रानी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने उत्तराखंड सीनियर टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया? तो वसीम जाफर ने सीनियर टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपी जय को किस राज्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीपी जय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी वीपी जय को केरल का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला 6ठा राज्य कौन सा बना है? तो अभी गोवा निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला 6ठा राज्य बन गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो अभी इसरो ने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी बुक का विमोचन किया है? तो अभी जूएल ओराम ने भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी बुक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक बुक का विमोचन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई चालान के लिए किस राज्य की पुलिस ने एसबीआई के साथ समझौता किया है? तो मेघालय की पुलिस ने ई चालान के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको इन 48 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता थे।